अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिविल फर्स्ट ईयर बुक का कोर्स सिविल 143 जो है इसके पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, जिसमें एक स्केल के एक इंच बराबर होता है फिट के आरएफ में 1/120, यानी 10 फिट है, 10 × 12 करेंगे तो 12 × 10 120 ही बनता है। किसी जिस्म के छुपे हुए हिस्से को जाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक सीधा खत जो दायरे की कोस को दो जगह मिले मगर मरकज में से ना गुजरे, तो उसको आप कोर्ड कहते हैं, वितर। ऐसा एक्सिलरी व्यू जो रेफरेंस लाइन के दोनों तरफ गैर मुतवाजी बनता हो उसको बाईलैटरल कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है कुरा, इस तरह की सतह की किस्म है, तो वो आपकी डबल कर्व्ड सतह होती है, ठीक है। वो कहता है नुक्ताए मादूम पर ऑब्जेक्ट की पैमाइश के बराबर होती है, तो ऑब्जेक्ट की पैमाइश जो होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरबा मखरूत यानी द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ स्क्वायर पैरिमिड, ठीक है। तो मखरूत की सतही तादाद जो होती है वो ये कहता है जी 6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ चलेगा, वाश बेसन और बाथ टब किस्म की फिटिंग है, तो ये आपकी अबलूशन फिटिंग, ठीक है। अबलूशन फिटिंग ज़मीन के लेवल से फर्श के लेवल तक इमारत का हिस्सा होता है, प्लिंथ कहलाता है, ठीक है। बिल्डिंग की रुख बंदी को मुतासर करने वाले अनासर में विंड डायरेक्शन यानी तेज़ हवाएँ, सन पाथ यानी सूरज की धूप यानी रोशनी, और रेनफॉल यानी बारिश वगैरह, ये तमाम चीज़ें ऑल ऑफ दीज जो है ये अनासर हैं जो कि मुतासर होते हैं, जिससे हम बिल्डिंग की रुख बंदी करते हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर आता है 2017 का सेकेंड एनुअल पेपर, जिसमें सूरज और हवा की वजह से बिल्डिंग में कमरों की तरतीब कहलाती है ओरिएंटेशन, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, एक मखरूती मुरब्बा में सतहों की तादाद होती है, ये कहते हैं 4, अभी हम पढ़ के आए हैं 6, तो अभी 6 को रखते हैं, बाकी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। 90 डिग्री से कम जाविया कहलाता है, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक वेव जिसमें बुनियाद की चौड़ाई और गहराई दिखाई जाती है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं क्रॉस सेक्शन। एक्स सेक्शन होता है ना, क्रॉस सेक्शन वो है कटा हुआ जो जाहिर करते हैं। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 8 अतराफ होती हैं उसको आप बोलते हैं ऑक्टागोन, ठीक है। 8 साइडों वालों को कहते हैं ऑक्टागोन। सेक्शन लाइनों के जाविया पर खींची जाती हैं, सेक्शन लाइनें जो होती हैं वो किस जाविये पर खींची जाती हैं, ये 45 डिग्री के एंगल पर खींची जाती हैं, ठीक है, सेक्शन एंगल जो लाइन होती हैं। सीढ़ियाँ और स्टोर सिमत में बनाए जाते हैं, सीढ़ियों को स्टोर को हम ईस्ट, ठीक है ना, मशरक़ की सिमत में बनाते हैं। ऐसी स्केल जो पैमाइश की 3 यूनिट्स को जाहिर करती है उस स्केल को डायगनल स्केल कहते हैं। तिरछा वेव इस किस्म वेव नहीं होता, व्यू है, ठीक है ना, तिरछा व्यू इस किस्म की ड्राइंग होती है, ये पिक्टोरियल ड्राइंग होती है, ठीक है। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो अमूदी लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको सेट स्क्वायर कहते हैं, जबकि टी स्क्वायर से आप उफकी लाइनें लगाते हैं और सेट स्क्वायर से अमूदी लाइनें लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2018 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, जिसमें पहला सवाल आता है फ्री दस्ती ड्राइंग होती है, यानी फ्री हैंड स्केचिंग होती है ना दस्ती, तो एन आर्ट एन टेक्निक और स्किल, यानी एक टेक्निक होती है, ये एक हुनर है, स्किल है और एक आर्ट है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है ऐसा स्केल जो गज़ फिट और इंच जाहिर करता है उसको डायगनल स्केल कहते हैं, ये गुलाई लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो तो कंपस है आपकी, ठीक है, इसे हम गुलाइयाँ लगाते हैं। गाइडलाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन के नुक्तों के दरमियान फासला होता है वो आपका 2 मिलीमीटर होता है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का बरतानवी निज़ाम होता है, वो आपका जो है ना फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग होता है। ड्राइंग के हिस्सों को नाम देना कहलाता है लेटरिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए स्केल बनाई जाती है, 2 डायमेट्रिक है तो 2 बनाई जाती हैं। सादा सतह की मसाल होती है, उसमें ड्रम फोम मेटल शीट ऑल ऑफ दीज।
इमारत की वेंटिलेशन का मैकेनिकल तरीका होता है जिसमें एग्जास्ट फैन, एयर कंडीशनर यानी एसी और सक्शन वगैरह का तरीका, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों मेथड हैं, ठीक है, मैकेनिकल तरीके हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2018 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। इसमें पहला सवाल है, एक प्लान जो बिल्डिंग के मोहल्ले वकू को जाहिर करता है उसको हम साइट प्लान कहते हैं। इमारत की वेंटिलेशन का मैकेनिकल तरीका भी डिस्कस किया था, एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडीशनिंग, सेक्शन, ऑल ऑफ दीज। ड्राइंग शीट पर लिखाई कहलाती है, इसको लेटरिंग कहते हैं, ठीक है। मशीन के छुपे हुए हिस्से के लिए लगाई गई लाइन कहलाती है, वो डॉटेड लाइन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, एब्लूशन फिटिंग है तो आपको पता है जिसमें वॉश बेसन, बाथटब और ड्रिंकिंग वाटर, ये अब आपके पास जो है ना ऑल ऑफ दीज जितनी भी फिटिंग्स हैं ये सारी एब्लूशन फिटिंग कहलाती है। एब्लूशन फिटिंग में आपका वुजू खाना, ठीक है, उसमें आपका पानी वाला वो आपका क्या कहते हैं पानी पीने का निज़ाम वगैरह, और उसके अलावा वाशरूम का सिस्टम वगैरह जितना भी कुछ, ये सारा एब्लूशन फिटिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद है कौन एक ऐसा सॉलिड ज्योमेट्रिकल शक्ल है, कौन एक ज्योमेट्रिकल शक्ल है ना, तो वो कौन सी सॉलिड शक्ल है, कौन आपकी जो है ना ज्योमेट्रिकल शक्ल में पैरामिड शक्ल है, ठीक है। पैरामिड स्केल एक इंच बराबर है 10 फीट आरएफ होगी 1/120, ये याद ही रख लें, ये दूसरी बार आ गया। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के दरमियान फासला जो है वो 2 मिलीमीटर रखा जाता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन और ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला होता है, बदलते हुए रदास की गोलाई लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंच कर्व्स ये होती है टेढ़ी मेढ़ी गोलाइयाँ लगाने के लिए, ठीक है, बेदंगी। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के मनाजिर होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही होते हैं, ठीक है। अब 2019 का फर्स्ट एनुअल पेपर आता है, इसका पहला सवाल है, स्केचिंग में उफकी लाइनें खींची जाती हैं, इसकी एक ओरिएंटेशन होती है कि हम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक स्केल जिस पर गज, फिट और इंच होते हैं हों, तो उस स्केल को डायगोनल स्केल कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखाई में सबसे निचली लाइन को कहते हैं, तो लिखाई की सबसे निचली लाइन जो होती है उसको बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। ये चारों लाइनें हैं, बेस, ड्रॉप, कैप, वेस्ट, ठीक है ना। ऐसा प्लेन जिस पर साइड व्यू बनाया जाए कहलाता है, उसको प्रोफाइल प्लेन कहते हैं, ठीक है, इस पर साइड व्यू बनता है। आमतौर पर सेक्शन लाइन के जाविये पर लगाई जाती है 45 डिग्री की लाइन, ठीक है ना, सेक्शन लाइन यानी 45 डिग्री के जाविये पर लगाई जाती है। पैमाइश जिसमें किसी जिस्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जाहिर किया जाए, ठीक है, उस किस्म की पैमाइश को अलाइंड डायमेंशन कहा जाता है। ऐसी लाइन जो आइसोमेट्रिक एक्सिस के मतवाजी लगाई जाती हैं, इस किस्म की लाइन को आइसोमेट्रिक लाइंस कहा जाता है। तजारती इमारत की मिसाल है, और इनमें जो तजारती इमारत की मिसाल है वो आपके बैंक है, शॉप्स, ठीक है, प्लाजा वगैरह, ऑल ऑफ दीज, ये कमर्शियल हैं सारे। एक इमारत में पेनेट्री कमरा से क्या मुराद है, जो पेनेट्री कमरा होता है ना उससे मुराद होता है आपका टेंसली स्टोरिंग, ठीक है। यू आई थिंक इसमें सेकंड हो जाता है, तो ये आपका होता है टेंसिल्स स्टोरिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा उर्दू में वो आपको सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद आता है द अरेंजमेंट ऑफ रूम इन अ बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू सन एंड एयर, तो उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। तो उर्दू में पढ़ना चाहिए था, धूप और हवा के रुख के हवाले से बिल्डिंग में कमरों की तरतीब कहलाती है ओरिएंटेशन, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। 2019 का सेकंड एनुअल पेपर है कि सेक्शन लाइन इस जाविये पर लगाई जाती है 45 डिग्री, ये तीन बार आ चुका है, ठीक है। सीढ़ियाँ और स्टोर का रुख इस सिमत में होता है, वो आपका नॉर्थ की जानब शमाल की तरफ होता है, ठीक है। बिल्डिंग का मंजर जो कैमरे की तस्वीर के मुशाबा होता है उस मंजर को पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू। डाईहेड्रल एंगल से बनने वाले कायमा जावियों की तादाद जो है वो 4 होती है, ठीक है, डाईहेड्रल हाइड्रल एंगल से। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के दरमियान फासला 2 मिलीमीटर तक होता है, ये भी रिपीट हो गया है 3 बार। ऐसी स्केल जिस पर गज, फिट और इंच
पढ़े जाएं उसको डायगोनल स्केल कहते हैं, ये भी तीन चार बार आ चुका है। स्ट्रक्चर का निचला हिस्सा कहलाता है, सब स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्लेन शक्ल, जिसके तमाम अजला बराबर लेकिन वितर ना बराबर हों, उसको हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। एक मंशूर मुसलिस की सतहों की तादाद होती है, एक मंशूर मुसलिस की सतहों की तादाद जो है वो तीन होती हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल प्रिज्म है ना, तो बिल्डिंग में हवा की आमदोरफ्त कहलाती है, वो आपकी कहलाती है वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2020 का सप्लीमेंट्री का पेपर है, सेकंड एनुअल पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ज़मीनी सतह से फर्श की सतह तक इमारत का हिस्सा होता है, प्लिंथ कहलाता है, ठीक है ना, वो प्लिंथ होता है। कुरा सतह की एक ऐसी किस्म है, कुरा ये डबल कर्व नहीं, कुरा जो होगी वो रोल्ड होगी, ठीक है, रोल्ड। उसके बाद नुक्ता है मादूम पर ऑब्जेक्ट की पैमाइश के बराबर होती है, ये ज़ीरो के बराबर होती है, दूसरी मरतबा है ये, एक मखरूती मुरबा, ये सवाल अब चेक करना है, ये क्या कहता है इसके बारे में, कहता है एक मखरूती मुरबा में सतहों की तादाद होती है चार। इसने भी अब चार बोला, तो फिर अब सारे चार ठीक करने पड़ेंगे, ये भी चार होगी, ठीक है। अब पीछे जा रहा हूँ, वो जो हमने लिखे हैं उनको दोबारा से ठीक करके फिर वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारे पास चार ही होगी भी, ठीक है ना, अगर हर बार अगले पेपर में भी चार आ रही है तो पहले वाले में ज़रूर बाई मिस्टेक जो है ना वो इसमें लिख दिया गया होगा, ये इसमें भी चार होगी, तो इसको हम कर देते हैं अरेज, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर MCQs है, ये इसको भी चार कर देते हैं और ये भी हम कर देते हैं इरेज। बाकी अगर ये चार की बजाय छः निकली तो फिर आपको सारे ठीक करने पड़ेंगे, इस वक्त मैं चेक नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद हम 2020 का पेपर आई थिंक डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल 2020 का पेपर है। तो उसमें आता है एक प्लेन जो बुनियाद की तफसील जाहिर करे, ठीक है, उसको डिटेल्ड प्लान कहेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये कहता है बुनियाद की तफसील जाहिर करने वाला तो डिटेल नहीं ना हो सकता, उसको फाउंडेशन प्लान कहते हैं। बुनियाद वाला तो सिर्फ बुनियाद फाउंडेशन प्लान ही दे सकता है, डिटेल में तो ओवरऑल चीज़ें आ जाएंगी। स्केल एक इंच बराबर 10 फीट का RF, ये भी देखिए चौथी पाँचवीं मरतबा आ गया है, 1/120। इमारत की वेंटिलेशन का मैकेनिकल तरीका, ये भी देखें, ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये भी रिपीट हो गया है। एब्लूशन फिटिंग वाला भी देख लें, रिपीट हो गया है। ऑल ऑफ दीज, कौन सा जाविया शदीद जाविया है, तो शदीद जाविया जो है वो आपका लेस देन 90 डिग्री है, जो 90 से कम है। सेक्शन लाइन इस जाविये पर लगाई जाती है, और वो आप लगाते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। उसके बाद आता है 2021 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, कि इमारत की वेंटिलेशन का मैकेनिकल तरीका, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद ऐसी स्केल जिस पर गज, फीट और इंच लिखे हों वो डायगोनल है, बुक में ना इसके अंदर इसका आंसर ए कह रहा है, जबकि इसके ये तीनों हैं, ठीक है ना। सेक्शन लाइन इस जाविये पर लगाई जाती है, तो पहले मैं मिस्टेक कर दी होगी ना, 45 डिग्री के एंगल पर लगाई जाती है। आम तौर पर सेक्शन लाइन के जाविये पर लगाई जाती है, तो भाई ये दोनों दो दो बार आ गई हैं, तो भाई एक ही आंसर है 45 डिग्री। स्केल एक इंच बराबर 10 फीट, 1/120, ये दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। किसी जिस्म के छुपे हुए हिस्से को जाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली लाइनें डॉटेड लाइन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देख लें, वाश बेसन और बाथ टब की फिटिंग जो होती है वो अब्लूशन फिटिंग है, ये भी तो पता चल गया हमें। ऐसी स्केल जो पैमाइश की तीन यूनिट्स को जाहिर करती है वो डायगोनल स्केल है, मेरा ख्याल है कि ये भी दो मरतबा आ गया इसी के अंदर, ये देखें 2 times में। ड्राइंग के हिस्सों को नाम देना कहलाता है लेटरिंग, ठीक है, उसे लेटरिंग कहते हैं। उसके बाद आता है डायमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए स्केल बनाई जाती है 2:2, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2021 के सेकंड एनुअल पेपर पे, कहते हैं नुक्ता मखदूम पर ऑब्जेक्ट की पैमाइश के बराबर होती है, वो ज़ीरो के बराबर होती है, ये भी रिपीट हो गया है, तीन चार बार आ चुका है। सेक्शन लाइन के लिए जाविये पर खींची जाती है वो 45-45 डिग्री के जाविये पर। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का बरतानवी निज़ाम जो है वो फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग है, पहले एंगल के, ठीक है ना। उसके बाद आता है कौन सा सॉलिड ज्योमेट्रिकल शक्ल है, तो इसमें जो सॉलिड है वो पेरीमेड है, ठीक है, सॉलिड शक्ल है।
उसके बाद आता है कौन की शक्ल है ना, कौन की, कौन सा नहीं, कौन एक ऐसा सॉलिड ज्योमेट्रिकल शक्ल है वो पैरामिड है, कौन यानी कि पैरामिड शक्ल है। पैमाइश जिसमें किसी जिस्म की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जाहिर किया जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अलाइंड डायमेंशन। ये भी रिपीट हुआ, ऐसी स्केल जिस पर गज फीट और इंच पढ़े जा सके वो डायगनल स्केल है, ठीक है। स्केल के एक इंच बराबर एक बटा 120, ये भी रिपीट हो गया। किसी जिस्म के छुपे हुए हिस्सों को जाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली लाइन है डॉटेड लाइन, ये भी रिपीट हो गया। एक मंशूर मुसलस की सतहों की तादाद वो तीन होती है, ठीक है, मंशूर की ये जो मुसलस है, ठीक है ना। उसके बाद आता है बिल्डिंग में हवा की आमदोरफ्त कहलाती है, वो वेंटिलेशन कहलाती है, ठीक हो गया स्टूडेंट। बाकी सारे जो हमने उनको जो गलती हुई थी वो भी हमने ठीक करने की कोशिश कर ली है। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पेपर पे, 2017 के फर्स्ट एनुअल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, सिविल ड्राफ्टिंग की तारीफ करें। तो ड्राइंग या सिविल ड्राफ्टिंग एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए से तसव्वुरात और तखीलात का इजहार अल्फाज की बजाय इश्काल से किया जाता है। ड्राफ्टिंग की मदद से तसव्वुरात का इजहार बेहतर अंदाज से किया जा सकता है। ड्राफ्टिंग की मदद से किसी मुजस्म की इश्काल बनाकर, ठीक है, इसके साइज़ मटीरियल और बनावट की वजाहत की जाती है। आगे हमारे पास आता है लेंथनिंग। लेंथनिंग बार क्या होता है? लेंथनिंग बार पुरकार की तरह होती है लेकिन इनकी इसकी दोनों टांगें नीडल पर मुश्तमिल होती है। इनके ज़रिए हम पैमाइश ली जाती है और फासलों पैमाइशों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और लाइन पर निशान लगाए जा सकते हैं, ठीक है, इसको डिवाइडर भी कहते हैं। हरूफ नवीसी के तीन असूल लिखें। एक ही हरफ पर बार बार पेंसिल इस्तेमाल ना करें, पेंसिल को आज़ादा ना हरकत ना दें। हरफ का साइज़ जो है, हरूफ का साइज़ जो है हरफ उसका सिंगल है ना ये, तो दुरुस्त और यकसा होना चाहिए। सादा ज्योमेट्रिकल अशकाल के नाम लिखें, मुसलस, मुस्ततील, मुरब्बा, दायरा, जुजंका और पॉलीगॉन। जुजंका और मुनहरफ में फ़र्क वाजिया करें। जुजंका क्या होता है? ऐसी चकोर शक्ल जिसके हरफ दो आमने सामने वाले अज़ला मतवाजी हों लेकिन आपस में बराबर ना हो। हरफ का कोई चक्कर नहीं है, बस इसके आमने सामने वाले अज़ला, ठीक है। ऐसी चकोर जिनके मुनहरफ क्या होता है? ट्रेपोजियम। ऐसी चकोर शक्ल जिसके चारों अज़ला की लंबाई और चारों जाविये बराबर नहीं होते वो आपकी मुनहरफ यानी ट्रेपोजियम कहलाती है। और दूसरी जिसके आमने सामने वाले अज़ला बराबर होते हैं उसको ट्रेपोजोइड कहते हैं। मुसलसों के साथ कसीरल अज़ला की तारीफ करें। इसमें पॉलीगॉन चार से ज़्यादा साइड वाली शक्ल जो होती है ना उसको कसीरल अज़ला यानी पॉलीगॉन कहते हैं। मसलन पांच ज़िले वाली पेंटागॉन यानी मखमस और छह ज़िले वाली मुसद्दस यानी हेक्सागॉन। सात ज़िले वाली जिसको उसको मसबा यानी हेप्टागॉन कहते हैं और मुस्मन कहते हैं। आठ ज़िले वाली ओक्टागॉन और मुत्सा कहते हैं। नौ ज़िले वाली जिसे नैनागॉन कहते हैं, नैनागॉन। और मुअश्शर कहते हैं। दस ज़िले वाली जिसे डेकागॉन कहते हैं। प्लेन की तारीफ करें। प्लेन एक तखीलाती और गैर मरई मरई यानी कि इनविजिबल शिफाफ सतह है जिसके ऊपर ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। इस तखीलाती पर्दा के ऊपर जो ड्राइंग की शक्ल बनती है इसको ड्राइंग शीट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरीफ से इनसे क्या मुराद है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट या प्रोजेक्शन ड्राइंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें किसी जिस्म की ड्राइंग तैयार करने के लिए मतवाजी खतूत यानी पैरेलल प्रोजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। यह खतूत प्लेन के अमूदन होते हैं। इस ड्राइंग में यह तसव्वुर किया जाता है कि जिस्म को लामहदूद यानी इनफिनाइट मकाम से देखा जा रहा है। सेक्शन क्यों ज़रूरी है? किसी जिस्म की ड्राइंग बनाते हुए ख्याल रखा जाता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तफसील ज़ाहिर की जाए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाए जाते हैं। इस ड्राइंग के ज़रिए जिस्म की बिरूनी तफसील को अच्छे तरीके से ज़ाहिर हो जाती है लेकिन अंदरूनी तफसील बेहतर अंदाज से वाजिया नहीं होती क्योंकि ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में अंदरूनी तफसील के लिए डॉटेड लाइन इस्तेमाल की जाती है। इससे सादा शक्ल की वजाहत तो हो जाती है लेकिन पचीदा किस्म की तफसील वाजिया नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में तसव्वुराती तौर पर जिस्म को काट कर अंदरूनी तफसील यानी कटी हुई हालत में जाहिर कर दी जाती है। पैमाइश लिखने के चार असूल तहरीर करें। जहाँ तक मुमकिन हो पैमाइश व्यू के बाहर लिखनी चाहिए ताकि वह आसानी पढ़ी जा सके। पैमाइश को हमेशा साफ़ सुथरा और वाजिया तहरीर करना चाहिए। ऑब्जेक्ट लाइन और सेंटर लाइन को पैमाइश लाइन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पैमाइश को दोबारा लिखने से गुरेज किया जाए। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन से क्या मुराद है? इस प्रोजेक्शन में जिस्म को उफकी लाइन के साथ बराबर जाविये पर रखा जाता है जिसमें दोनों जाविये 20 डिग्री से 30 डिग्री तक और तीसरा जाविया 90 डिग्री का होता है।
पर्सपेक्टिव ड्राइंग की तारीफ करें। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में बनने वाली शक्ल कैमरा से बनाई गई तस्वीर के मुतशाबा होती है। इस ड्राइंग में जिस्म की शक्ल वैसी ही नज़र आती है जैसा कि जिस्म की हकीकी तौर पर बनावट नज़र आती है। इस ड्राइंग में चूंकि जिस्म की असल सूरत नज़र आती है इसलिए इसको आम आदमी भी आसानी से समझ लेता है। एक्सिलरी प्लेन की तारीफ करें। ड्राइंग बनाते हुए अगर प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन के अलावा किसी दूसरी पोजीशन में रखा जाए तो इसे एक्सिलरी प्लेन कहा जाता है। बिल्डिंग के चार मकासद तहरीर करें। रहायशी अफराद को छोड़ो, डाकू के से हफाजत का एहसास दिलाना और महफूज रखना, इंसान के लिए मुजीद सेहत मौसमी असरात से बचाना, रहायशी अफराद को मुनासिब सहूलतें फराहम करना और रहायशी अफराद को पर्दादारी मुहैया करना वगैरह शामिल है। लाइन प्लान की तारीफ करें। लाइन प्लान ड्राइंग में तमीरी हिस्सा को कमरों के साइज़ और पोजीशन को सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है। इस ड्राइंग में दीवारों की मोटाई जाहिर नहीं की जाती। कमरों के अंदर दी हुई पैमाइश कमरों के साइज़ को जाहिर करती है जिसमें दीवारों की मोटाई शामिल नहीं होती। कमरों के बाहर दी गई पैमाइश बैरूनी पैमाइश होती है जिसमें दीवारों की मोटाई शामिल होती है। साइट प्लान क्या है? ये एक ऐसा खाका है जिसमें इमारत के लिए मखसूस प्लॉट की निशानदेही की जाती है। इस खाका में इर्द गिर्द के मकानात के प्लॉट नंबर, मालिक का नाम, गलियों और सड़कों के नाम और दीगर अहम इमारतों को जाहिर किया जाता है। साइट प्लान में गलियों और सड़कों की चौड़ाई भी लिखी जाती है। हाउस प्लानिंग की तारीफ करें। इमारत के लिए जगह का इंतखाब और कमरों की तरतीब इस तरह करना कि कुदरती हवा और रोशनी का बेहतर इस्तेमाल हो सके और इमारत के इस्तेमाल करने वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हों, हाउस प्लानिंग कहलाती है। सादा ज्योमेट्रिकल अशकाल से क्या मुराद है? सादा ज्योमेट्रिकल अशकाल दो पैमाइशों वाली होती है जैसा कि लंबाई और चौड़ाई या चौड़ाई और ऊंचाई वगैरह शामिल है। ज्योमेट्री की सादा अशकाल में नुक्ता, लाइन, जाविया, मुसलस, चकोर, ठीक है, कसीर अज़ला, पॉलीगोन और दायरा वगैरह शामिल है। ये सारी सादा ज्योमेट्रिकल यानी 2D है, टू डिमेंशनल। सेक्शन नंबर 2 आ गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है, चार मराकज के तरीक़ा से एक बेजा बनाएं यानी एलिप्स बनाएं। बड़ा महवर 10 सम और छोटा महवर 4 सम हो तो इसका अमल भी तहरीर करें यानी अपने तरीक़ाकार भी लिखना है। अब 4 सेंटीमीटर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और 6 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 नीचे बिल्कुल सेंटर से लगानी है, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है ना इसके ऊपर ड्रॉ करते हुए एलिप्स बनाना है यानी बेजा बनाना है अंडे की तरह। और फिर इसका तरीक़ाकार भी लिखना है कि आपने क्या किया है, वो तफसील करके बता देनी है। दिए गए प्लान का फ्री हैंड तफसीली प्लान तैयार करना है, इसी को आपने फ्री हैंड तफसीली प्लान बनाना है इसको, ठीक है ना। अव्वल ज़ाविया निज़ाम और तीसरा ज़ाविया निज़ाम की खसूसियात तहरीर करें। स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री के पेपर को। हमारा पहला सवाल है बिल्डिंग बाय लाज की तारीफ करें। हुकूमत पाकिस्तान ने हर शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की हुई है जिन्होंने बिल्डिंग के लिए असूल मुतारफ़ किए हैं। इन असूलों को बिल्डिंग बाई लाज कहते हैं, जैसे लाहौर है तो LDA और कराची है तो KDA, इस तरह करके उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। बिल्डिंग की ऑरिएंटेशन से क्या मुराद है? इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को मखसूस सिमत में तरतीब देने के अमल को रुख बंदी यानी ऑरिएंटेशन कहा जाता है। 9 इंच मोटी दीवार का क्रॉस सेक्शन बनाना है तो ये क्रॉस सेक्शन बनाना है, ठीक है। बिल्डिंग के डिटेल प्लान से क्या मुराद है? इस किस्म की ड्राइंग में प्लॉट के अंदर तमाम कमरों और बरामदों के साइज़ और इनका बंदोबस्त और दरवाज़ों खिड़कियों की पोजीशन को जाहिर किया जाता है। इसमें दीवारों की मोटाई को भी जाहिर की जाती है, इन दीवारों की मोटाई भी जाहिर की जाती है। लेटरिंग की अहमियत बयान करें। लेटरिंग ड्राइंग का लाजमी हिस्सा है। इसका मकसद ड्राइंग के तमाम हिस्सों को समझना और मुकम्मल बनाना है। लेटरिंग के बगैर ड्राइंग का समझना नामुमकिन होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की खूबसूरती, मालूमात और बामायनी होना सिर्फ लेटरिंग की ही वजह से मुमकिन है, वरना ड्राइंग बेमायनी और नामुकम्मल नज़र आएगी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की तारीफ करें। जब ऑब्जेक्ट पहले क्वाड्रेंट पर रखकर ड्राइंग बनाई जाए तो फ्रंट एलिवेशन अमूदी प्लेन पर और टाइप व्यू उफकी प्लेन पर बनता है। इस सिस्टम में फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के ऊपर बनता है। पहले क्वाड्रेंट में जिस्म को रखकर मनाजिर बनाए जाएं तो ऐसे सिस्टम को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहा जाता है या कहते हैं। स्केल की इकसाम के नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल, सिविल इंजीनियरिंग स्केल और आर्किटेक्ट्स स्केल।
असेंबली सेक्शन की तारीफ करें, लिखें। इस किस्म का सेक्शन मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी मुतअल्लिका जगह पर जोड़कर तैयार किया जाता है। उसके बाद एक छोटी प्रॉब्लम स्टूडेंट को होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्केल के मुतालिक। स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल जो होता है ना, ये पॉइंट्स में होता है, यानी मिलीमीटर्स वगैरह में। सिविल इंजीनियरिंग आपका स्केल जो होता है ना, वो होता है आपका फीट्स में। जैसे आपने 7.5 फीट भी लिखना है तो 7.5 फीट, इंच नहीं आप काउंट करते, ठीक है, उसको भी फिट में कन्वर्ट करते हैं। और आर्किटेक्ट स्केल होता है जिसमें फिट और इंच दोनों को अलग अलग जो है ना असाइन किया जाता है, यानी 2 फिट 3 इंच लिखेंगे आप आर्किटेक्ट्स में, जबकि सिविल में आप इसको 2.25 फिट लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारा ये असेंबली सेक्शन की तरीफ है कि इस किस्म का सेक्शन मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी मुतलका जगह पर जोड़कर तैयार किया जाता है। पिक्टोरियल ड्राइंग की तरीफ लिखें। ये ड्राइंग की ऐसी यानी कि शाख है जिसमें जिस्म यानी ऑब्जेक्ट को वैसे ही जाहिर किया जाता है जैसा कि किसी एक नुक्ता से नज़र आए। इस ड्राइंग में आमतौर पर मुजस्म यानी ऑब्जेक्ट के 2 या 3 पहलू जाहिर किए जाते हैं। इस ड्राइंग में बनने वाली शक्ल कैमरे से ली गई तस्वीर के मुतशाबा होती है, ठीक है ना, मुतशाबा ही है। टाइटल ब्लॉक की तारीफ करें। नाम की तख्ती को कहते हैं टाइटल ब्लॉक। बनाने के लिए हाशिए के अंदर दाएं तरफ 100 मिलीमीटर उफकी और 40 मिलीमीटर अमूदी फासला लिया जाता है। इसके अंदर ड्राइंग के मुतलका तफसीलात दर्ज की जाती हैं, जैसा कि ड्राइंग बनाने वाले का नाम, चेक करने का वाले का नाम, ड्राइंग शुरू करने का यानी कि ड्राइंग का शुरू किया और मुकम्मल करने की तारीख और ड्राइंग का नाम, वो चेक करने के लिए सिग्नेचर वगैरह और ये चीज़ें भी छोड़ी जाती हैं। उसके बाद आता है रियर एलिवेशन क्या होता है। इमारत के बैक एलिवेशन को रियर एलिवेशन कहते हैं। पैराबोला की तारीफ करें। कोण को बिरूनी सतह के मुतवाजी काटने से जो शक्ल बनती है इसको पैराबोला कहा जाता है। कटिंग प्लान लाइन से क्या मुराद है। प्लेन लाइन कटिंग प्लेन लाइन से क्या मतलब है। ये लाइन ऑब्जेक्ट के इस हिस्से पर लगाई जाती है जहाँ से इसे काट कर देखना मकसूद हो। ये लाइन H या 2H पेंसिल से लगाई जाती है। ये लाइन 1.4 इंच मोटी होती है और इसके आखिरी किनारे पर तीर का निशान बनाया जाता है। सॉयल फिटिंग की तारीफ करें। ये ऐसी फिटिंग होती है जो लेटरिन में फजला और पेशाब के खराज के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि वाटर क्लोजेट इन WC और यूरिनल वगैरह। सरफेस के डेवलपमेंट की तारीफ करें। किसी मुजस्म यानी ऑब्जेक्ट की सतह को खोलकर हमवार प्लेन पर बिछाने से जो शक्ल या ड्राइंग बनती है इसको डिवेलपमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है लेदर लाइन की तारीफ करनी है। लेदर लाइन किसी ऑब्जेक्ट के किसी हिस्से को जाहिर करना हो तो इसकी तरफ एक लाइन के एक सिरे पर तीर का निशान बनाकर इसकी निशानदेही की जाती है, जो लेदर लाइन कहलाती है। सबमिशन ड्राइंग क्या होती है। बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा की मंजूरी के लिए मुतअल्लिका अदारा में नक्शा जमा कराया जाता है, जिसमें अदारा के कानून यानी बायलाज के मुताबिक इंडेक्स प्लान, दीवार का क्रॉस सेक्शन, तफसीली डिटेल, एलिवेशन और तमाम तफसीलात नक्शा में शामिल होती है। सबमिशन ड्राइंग कहलाती है। ट्राईहेड्रल जाविया क्या होता है। तीनों प्रिंसिपल प्लेन को अगर एक दूसरे के साथ अमूदन रखा जाए तो 8 कायमा जाविया हासिल होते हैं, जिनको ट्राईहेड्रल एंगल कहा जाता है, और कायमा जाविया को रबा यानी क्वाड्रेंट कहा जाता है। सेक्शन नंबर 2 आ गया हमारा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है कि लफ्ज सिविल ये आपने लिखना है को डबल स्ट्रोक, ठीक है, यानी दोहरे हालत में लेटरिन 4:7 में लिखें, ठीक है। उसके बाद यानी आपने 4:7 में लिखना है, 4 उफकी लाइनें और 7 अमूदी लाइनें, फिर गैप ही 4 उफकी यानी कि 7:7 आपने लगा के उसके अंदर फिर आपने लिखना है। बिल्डिंग की ओरिएंटेशन की तारीफ लिखें। बिल्डिंग की वेंटिलेशन क्या होती है और फिर ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और इनका इस्तेमाल लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के फर्स्ट एनुअल पेपर में, जिसमें एलिप्स और पैराबोला के दस्ती खाके बनाने हैं। ये 2 डायग्राम्स बनानी हैं आपने। 2 नंबर का सवाल है। प्लेन और वितरी स्केल की तारीफ करें। प्लेन स्केल आमतौर पर नक्शाकशी के लिए यही स्केल इस्तेमाल होता है। इसके मुताबिक पैमाइश के 2 यूनिट जाहिर किए जा सकते हैं, जैसा कि मीटर और डेसीमीटर, गज और फुट या फिर फुट और इंच वगैरह। और जबकि डायगोनल स्केल जो होता है, इस स्केल की मदद से
किस्म के पैमाइशी यूनिट जाहिर किए जा सकते हैं, जैसा कि किलोमीटर, मीटर और डेसीमीटर, मील, फरलांग, गज वगैरह। स्केल की बनावट में मुशाबा मुसलसों के असूल को इस्तेमाल किया जाता है। स्केल में दो बड़े पैमाइशी यूनिटों को लंबाई के रुख जबकि तीसरे छोटे यूनिट को चौड़ाई के रुख जो है वो जाहिर किया जाता है। अतालवी लेटरिंग के बारे में लिखें। अतालवी ही होती है, सॉरी अतालवी चलो उर्दू में हो गया, इंग्लिश में इसको अटैलिक कहते हैं। अटैलिक अगर आपको लफ्ज़ पता होगा तो आप समझ जाएंगे ये तिरछे हरूफ है। तिरछी लिखाई को अटैलिक लिखाई यानी अतालवी लेटरिंग जो है कहा जाता है। तिरछी अटैलिक लिखाई उफकी प्लेन के साथ 67.5 यानी 67.5 दर्जे का जाविया जो है इस पर की जाती है। कौन की तारीफ करें उसके हिस्से। कौन मुजस्माती ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल है जिसका पैंदा गोल होता है और अतराफ एक नुक्ता पर मिलती है और इसकी इसके हिस्से होते हैं गोल, पैंदा, साइड और नुक्ता। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन की लिस्ट बनाएं। इसमें ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में सामने का मंजर, पिछला मंजर, बलाई मंजर, निचला मंजर, उसके बाद आएगा दाएं तरफ का मंजर और बाएं तरफ का मंजर, ठीक है ना, यानी फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, जैसे बताया था आपको। आमतौर पर ड्राइंग में तीन किस्म के मंजर ही दिखाई देते हैं, सामने का मंजर, बलाई मंजर और अतराफी मंजर, ठीक है। सेक्शनिंग की इकसाम बयान करें तो उसमें आते हैं आपका मुकम्मल सेक्शन, आधा सेक्शन, शिकस्ता सेक्शन जिसको ब्रोकन कहते हैं, तफसीली सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन और ऑफसेट सेक्शन। सेंटर लाइन लगाकर पैमाइश जो वो जाहिर करें, तो इस तरह से आपने पैमाइश जो है वो इनके जाहिर करनी है सेंटर लाइन लगा के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नुक्ताए मादूम क्या होता है, ये आया था हमारे पास उसमें ऑप्शन में भी। पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाते हुए ये नुक्ता लामहदूद फासलों पर वाक़िया होता है। इस नुक्ता पर जिस्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसे नुक्ताए मादूम यानी वेंशिंग पॉइंट कहा जाता है। वेंशिंग पॉइंट गैर मौजू प्राइमरी एक्सिलरी व्यू की इकसाम दो हैं, एक आपकी यूनिलैटरल व्यू है, दूसरा बाईलैटरल व्यू है, ठीक है। डेवलपमेंट के तरीके तहरीर करें, इसमें ट्रायंगुलर मेथड है और रेवोल्यूशन मेथड है। इमारत के मकासद बयान करें, रहायशी अफराद को चोरों और डाकुओं से हफाजत का एहसास दिलाना और महफूज रखना, रहायशी अफराद को पर्दादारी मुहैया करना, इंसान के लिए मुजीर सेहत मौसमी असरात से बचाना, रहायशी अफराद को मुनासिब सहूलतें फ्राहम करना वगैरह शामिल है। क्रॉस वेंटिलेशन की तारीफ करें, इमारत के कमरों में अगर दरवाजे खिड़कियां आमने सामने लगा दी जाएं तो इनसे हवा आसानी से गुजर जाती है, इसे क्रॉस वेंटिलेशन कहा जाता है। आगे हमारा आता है कम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट जावियों में फ़र्क बयान करें। कम्प्लीमेंट जाविया ऐसे जाविया होते हैं जिनका मजमुआ 90 दर्जा हो, कम्प्लीमेंट्री जाविया कहलाता है, जबकि सप्लीमेंट्री जाविया जब दो जाविये मिलकर 180 दर्जे का जाविया बनाएं तो दोनों जाविये एक दूसरे के सप्लीमेंट यानी के कहलाते हैं, सप्लीमेंट कहलाते हैं। आरएफ की तारीफ करनी है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं इसको, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ एक ऐसा स्केल है जिसमें एक ही पैमाइशी इकाई इस्तेमाल होती है, यह दरअसल मुजस्म के असल साइज़ और ड्राइंग में जाहिर करदा साइज़ में नस्बत होती है, जैसा कि 1/20। अब आप लिखते हैं 1/120 से मुराद होता है एक इंच को एक यानी कि 10 फीट के बराबर रखा हुआ है, तो 1/120 फ्रैक्शन होगा कि हम अपनी ड्राइंग के एक इंच को 10 फीट के बराबर यानी 10 फीट को एक इंच के बराबर लिखेंगे, उल्टा लिख दिया इसने, 10 फीट को एक इंच के बराबर कर देंगे। रुख बंदी क्या होती है, ठीक है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को मखसूस सिमत में तरतीब देने के अमल को रुख बंदी यानी ओरिएंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उफकी प्लान से क्या मुराद है, ठीक है। तो कहता है कि इस प्लान में बिल्डिंग की तफसीली ड्राइंग बनाई जाती है जिसमें दो लाइनों के दरमियान दीवारों की मोटाई जाहिर की जाती है, कमरों की पोजीशन और साइज़ वगैरह लिखे जाते हैं। इस प्लान को बनाने के लिए यह तस्वर किया जाता है कि बिल्डिंग को फर्श के लेवल से 3 फीट से 5 फीट तक उफकी काट कर दिखाया जाता है। हरूफ की यकसानियत बयान करें, हरूफ का साइज़ हर जगह यकसा और एक जैसा होना चाहिए। हरूफ को इतना नज़दीक तहरीर करें कि हरूफ का फासला ज़्यादा नज़र ना आए और ज़ाहरी तौर पर हरूफ एक जैसे नज़र आएँ, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड की तरीफ, ड्राइंग बोर्ड मुख्तलिफ साइज़ की जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं जिन पर ड्राइंग शीट रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग बोर्ड की शीट वाली सतह हमवार होती है और नीचे वाली सतह खुरदरी और जड़ी वाली बनाई जाती है ताकि बोर्ड मौसमी असरात की वजह से टेढ़ा ना हो। ड्राइंग बोर्ड के बाएँ जानब जो है किनारों पर
एक प्लास्टिक या फाइन लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है ताकि स्क्वायर का हेड, सेट स्क्वायर 30 स्क्वायर जो होते हैं ना, तो उसमें 30 स्क्वायर का हेड जो है वो 90 डिग्री पर रखा जा सके, बिल्कुल प्लेन। यानी कि सेक्शन नंबर 2 आगे लॉन्ग क्वेश्चन, हाउस प्लानिंग करते वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है। और फिर दूसरा, पहला बोला कि तारीफ करें और साफ खाके बनाकर हिस्सों के नाम लिखें। उसके बाद था सेश बार का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएं। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2018 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है, कम्प्लीमेंट्री जावियों की तारीफ करें, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, सप्लीमेंट्री के साथ आया हुआ था। आर एफ की तारीफ करें, यह भी रिपीट हो गया। पिक्टोरियल ड्राइंग की तारीफ करें, यह ड्राइंग की ऐसी शाख है जिसमें मुजस्म यानी ऑब्जेक्ट को वैसे ही जाहिर किया जाता है जैसा कि किसी एक नुक्ते से जाहिर नजर आए। इस ड्राइंग में आमतौर पर मुजस्म यानी ऑब्जेक्ट के 2 या 3 पहलू जाहिर किए जाते हैं। इस ड्राइंग में बनने वाली शक्ल कैमरे से ली गई तस्वीर के मुतशाबा होती है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्राइंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें किसी जिस्म की ड्राइंग तैयार करने के लिए मतवाजी खतूत इस्तेमाल किए जाते हैं। यह खतूत प्लेन के अमूदन होते हैं। इस ड्राइंग में यह तस्वर किया जाता है कि जिस्म को लामहदूद मकाम से देखा जा रहा है। बिल्डिंग बाई ला की तारीफ करें, हुकूमत पाकिस्तान ने हर शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की हुई है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ हुआ है, अपनी पढ़ना। उसके बाद लाइन की 4 इकसाम खींचनी है, ऑब्जेक्ट लाइन, डॉटेड लाइन, उसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन और सेंटर लाइन, ठीक है। लेडर लाइन की तारीफ करें, यह भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। एक्सिलरी व्यू की तारीफ करें, यह भी रिपीट हो गया है। बाथरूम के 4 फिक्स्चर्स के नाम, वाश बेसन, शावर, बाथ टब, ट्रैप और हैंगर्स। टाइटल ब्लॉक की तारीफ करें, रिपीट हो गया हुआ है। उसके बाद आता है 13.5 इंच मोटी दीवार का फ्री हैंड स्केच बनाना है, वो ये बना हुआ है, ठीक है, 13.5 इंच की, ये 13.5 इंच, उसके नीचे आपने फिर 18 इंच, फिर 22.5 इंच, उसके बाद फिर ये 34.5 इंच, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउस प्लानिंग से क्या मुराद है। इमारत के लिए जगह का इंतखाब और कमरे की तरतीब इस तरह करना कि कुदरती हवा और रोशनी का बेहतर इस्तेमाल हो सके और इमारत के इस्तेमाल करने वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयसर हो, हाउस प्लानिंग कहलाती है। असम्बली सेक्शन की तारीफ करनी है, इस किस्म के सेक्शन मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी मुतअल्लिका जगह पर जोड़कर तैयार किया जाता है, ठीक है। लकड़ी और RCC के सिंबल बनाने हैं, ये RCC का सिंबल है और ये वुड यानी लकड़ी का सिंबल है, ठीक है। इस्तेमाल के लिए ऐसे इमारत की इकसाम बताएं, रहायशी इमारत, तजारती इमारत, तलीमी इमारत, दफ्तरी इमारत, सनती इमारत और मराकज़ सेहत वगैरह शामिल है। फाउंडेशन प्लान की तारीफ करें, इमारत की बुनियादों की तफसील जाहिर करने के लिए इस किस्म का प्लान बनाया जाता है। इसके लिए पूरी इमारत में इस्तेमाल होने वाली जगह और साइज़ को जाहिर किया जाता है। जाविया की इकसाम बयान करनी, इसमें हदा जाविया, मुनफर्जा जाविया, कायमा जाविया, मुस्तकीम जाविया और जाविया माकूस। ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट के नाम में, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, पुरकार, प्रोटेक्टर, लेड पेंसिल, रबर, स्केल कार्ड्स वगैरह। सेक्शन 2 आ गया, इसमें कंपास के जरिए 105 डिग्री का जाविया बनाएं और इसकी बनावट का यानी तरीका भी तहरीर करना है कि आपने कैसे बनाया है। एक्सिलरी व्यू की तारीफ करें, नेज इसकी किस्म के नाम बताएं और इनकी वजाहत करें। उसके बाद सवाल है, इमारत की जगह के इंतखाब पर असर अंदाज होने वाले अवामिल की तारीफ करें, ठीक हो गया। अगला हमारा पेपर आ गया 2019 का फर्स्ट एनुअल, दस्ती ड्राइंग के 4 असूल लिखने हैं। जिसम यानी ऑब्जेक्ट को भगोरे देखा जाता है और इसके मकासद और इसकी हरकत का जायज़ा लिया जाता है। उसके बाद आता है मंजर बनाने के लिए ज़्यादा तफसील वाली तरफ मुंतखब की जाती है। मनाजर के साइज़ के मुताबिक ड्राइंग शीट पर जगह मुख्तस की जाती है। पहले तमाम लकीरें हल्की लगाई जाती हैं ताकि फालतू लाइनें आसानी से मिटाई जा सकें। फिर आता है ड्राइंग मुकम्मल होने पर पेमाइशें लिखी जाती हैं। RF से क्या मुराद है, ये रिपीट हो गया है। 4 इकसाम की यानी कि लाइनें लगाएं, ये भी रिपीट हो गया है। कम्प्लीमेंट जाविया और सप्लीमेंट जाविये में फ़र्क वाजिया करें, भी रिपीट हो गया है। दायरे में इस्तेमाल होने वाली इस्तलाहात के नाम लिखने, इसमें कुतर है, डायमीटर, रेडियस है, निस्फ कुतर, सेक्टर है आपका और टेंजेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती, कोड आएगा आपका, ठीक है, सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद था मुनहरिफ, उसने कितनी लिखी है, उसने यही लिखी है, ठीक है। मुनहरिफ और हिस्सा मुअय्यन का जो है ना आपने दस्ती खाका बनाना है, तो एक आपका मुनहरिफ है, ठीक है, वो आपका ये है ट्रेपेजियम, और जो आपका मुअय्यन है वो आपका रोम्बस है, ठीक है। उसके बाद आता है ओरिजिन पॉइंट और ग्राउंड लाइन में फ़र्क वाजिया करें। पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाते हुए ओरिजिन को
ऑब्जर्वर की आंख से मिलाने वाली लाइन ओरिजिन लाइन कहलाती है, जबकि ज़मीनी प्लेन और पिक्चर प्लेन के मिलने से बनने वाली लाइन ग्राउंड लाइन कहलाती है। ट्राईहेड्रल एंगल से क्या मुराद है? तीनों प्रिंसिपल प्लेन को अगर एक दूसरे के साथ अमूदन रखा जाए तो 8 कायमा जाविया हासिल होते हैं, जिनको ट्राईहेड्रल एंगल कहा जाता है, और कायमा जाविये को क्वाड्रेंट यानी रबा कहा जाता है। सेक्शनिंग क्या है? किसी भी जिस्म को काट कर इसकी अंदरूनी तफसील की वजाहत करने का अमल सेक्शनिंग कहलाता है। डायमेंशनिंग की तारीफ करें। किसी भी ड्राइंग का खाका तैयार करने के बाद इस पर कुछ मालूमात दर्ज की जाती हैं, जैसा कि मुख्तलिफ सतहों का दरमियान फासला, सुराखों की जगह, मटेरियल की किस्म और सुराखों की तादाद वगैरह। मालूमात को लाइनों, हिंसों और मखसूस निशानात से जाहिर किया जाता है। इन मालूमात की पेमाइश लिखना डायमेंशनिंग कहलाता है, यह कहा जाता है। पिक्टोरियल ड्राइंग की इकसाम के नाम में एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्स्पेक्टिव प्रोजेक्शन। एक्सिलरी व्यूज़ की तारीफ करें। तिरछी सतह के मतवाजी प्लेन रख कर ड्राइंग तैयार कर ली जाए तो ऐसे प्लेन को एक्सिलरी प्लेन कहा जाता है। इस प्लेन के ऊपर बनने वाली शक्ल को एक्सिलरी व्यू कहा जाता है। इसका साइज और शक्ल हकीकी होती है। डेवलपमेंट की तारीफ करें। ये एक ऐसी ड्राइंग है जिसमें मुख्तलिफ अजसाम की ड्राइंग एक प्लेन पर तैयार की जाती है। इस ड्राइंग में मुख्तलिफ अजसाम को खोल कर ही एक ही सतह पर जाहिर किया जाता है। इस ड्राइंग को पैटर्न ड्राइंग भी कहा जाता है। इमारत के तफसीली प्लान की तारीफ करें। इस किस्म के ड्राइंग में प्लॉट के अंदर तमाम कमरों और बरामदों के साइज़ और इनका बंदोबस्त और दरवाज़ों, खिड़कियों की पोजीशन को जाहिर किया जाता है। इसमें दीवारों की मोटाई भी जाहिर की जाती है। बाथरूम फिक्चर्स के नाम लिखें। इसमें वाश बेसन, शावर, बाथटब, ट्रैप और हैंगर्स वगैरह। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ हुआ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में आरसीसी और इसके ईंटों वाला आ गया, ठीक है ना। आरसीसी का सिंबल ये है, ईंटों का सिंबल ये है। रहायशी इमारत के 6 कमरों के नाम लिखने हैं आपने। इसमें क्या क्या होता है? रूम्स जो होते हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, किचन और स्टडी रूम। ये कमरे हैं ना, ये मेरा पोर्शन है। सॉइल फिटिंग की तारीफ करें। ऐसी फिटिंग होती है जो लेटरीन में फुजला और पेशाब के अखराज के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि वाटर क्लोजेट जिसे WC कहते हैं, और यूरिनल, पेशाब करने वाला जो यूरिनल है। सेक्शन नंबर 2 हमने डिस्कस करना है कि एक बेजा मतवाजिल अज़ला चकोर के तरीके से बनाएं, जिसका बड़ा महवर 12 सेंटीमीटर और छोटा महवर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। पेमाइश की इकसाम और पेमाइश लिखने के तरीकों की वजाहत करें और दिए गए लाइन प्लान का फ्री हैंड तफसीली प्लान तैयार करें। ठीक हो गया। अब आते हैं हम 2019 के सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री के पेपर पे। एक्सिलरी प्लेन क्या है? ड्राइंग बनाते हुए अगर प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन के अलावा किसी दूसरी पोजीशन में रखा जाए तो इसे एक्सिलरी प्लेन कहा जाता है। ये रिपीट हुआ हुआ है। टाइटल ब्लॉक क्या होता है, ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है। RF से क्या मुराद है, ये भी रिपीट हो गया। 1 इंच कुतर के दायरे का मुहित मालूम करना है। सिंपल फार्मूला πD। डाई में 1 इंच फुट करके पाई से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। या 22/7 जरा 1 इंच कर दें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई की कीमत 3.142 है, मल्टीप्लाई में 1 इंच करें तो आपके पास 3.142 इंच ही बनेगा। सिंपल सा सवाल है ये। साइड प्लान और इंडेक्स प्लान में फ़र्क। इंडेक्स प्लान को की प्लान बेसिकली कहते हैं। इस ड्राइंग को बनाने से पहले बगैर स्केल मुंतखब किए पूरे इलाके का एक खाका बनाया जाता है, ताकि बनने वाली ड्राइंग की शक्ल और साइज़ का कुछ अंदाज़ा हो जाए। इस खाका को इंडेक्स प्लान या की प्लान कहा जाता है। फिर साइट प्लान में इमारत के मलकियती रुकबा को लाइनें लगाकर वाजिया किया जाता है। इसके इर्द गिर्द के प्लाटों और रुकबा जात को सफ़ेद दिखाया जाता है। इसका मकसद इमारत की जगह यानी लोकेशन की निशानदेही करना है। आगे आता है वेंशिंग नुक्ता क्या होता है, ठीक है। वेंशिंग नुक्ता, ये हमारा क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। लामहदूद नुक्ता, या इसको एक और नुक्ता है, अजीब सा नाम एक था इसका, वो दिया गया था, देख लें। अब इसका वेंशिंग नुक्ता लिख दिया गया है। प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग बनाते हुए यह नुक्ता लामहदूद नुक्ता पर वाक़ होता है। इस नुक्ता पर जिस्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये ऑप्शन में भी आता है। उसके बाद आता है रियर एलिवेशन क्या होता है। रियर एलिवेशन, इमारत के बैक एलिवेशन को रियर एलिवेशन कहते हैं, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। सेक्शनिंग के मकासद, किसी भी जिस्म की अंदरूनी तफसील को दिखाना, डॉटेड लाइनों की तादाद को कम करना, किसी भी जिस्म का क्रॉस सेक्शन इनकी मदद से दिखाना और मशीन के हिस्सों को वर्किंग पोजिशन में दिखाना। नेक्स्ट आता है लैंडस्केप प्लान की तारीफ करें। इस किस्म के ड्राइंग में प्लॉट के तमीर शुदा रुकबा के अलावा बाकी बचने वाले हिस्से, मतलब के आपके हिस्सों को फूलों की क्यारियों, घास के प्लॉट और डिगर
बेल बूटों की मदद से सजावट करके जाहिर किया जाता है। इस प्लान की मदद से हमारे मकान के बैरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कैबिनेट। कैबिनेट प्रोजेक्शन क्या होता है? ऐसी ड्राइंग जिसमें एक महवर उफकी और दूसरा अमूदी, जबकि तीसरा उफकी लाइन के साथ 30 से 60 दर्जा का जाविया बनाए, कैबिनेट प्रोजेक्शन कहलाता है। हाउस प्लानिंग की तारीफ करें। इमारत के लिए जगह का इंतखाब और कमरों की तरतीब इस तरह करना कि कुदरती हवा और रोशनी का बेहतर इस्तेमाल हो सके और इमारत के इस्तेमाल करने वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात हो मुयसर हों, हाउस प्लानिंग कहलाती है। और ये जो चार लाइनें की इकसाम है, लाइनों की चार इकसाम लगाएं, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिपीट हुआ है। प्लेन और सॉलिड इश्काल। प्लेन ज्योमेट्रिकल शक्ल दो पैमाइशी पर मुश्तमिल होती है, ये रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है, जिसमें एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई या ऊंचाई होती है, जबकि ठोस ज्योमेट्रिकल शक्ल तीन पैमाइशों पर मुश्तमिल होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जुजंका का फ्री हैंड स्केच बनाना, यह ट्रेपेजियम, ये है जुजंका। उसके बाद है बाथरूम फिक्चर्स के नाम तहरीर करने, रिपीट हो गया है। बिल्डिंग बायलाज की तरीफ भी रिपीट हो गई है। उसके बाद आता है आरसीसी और वुड के अलामत भी रिपीट हुई हैं, ठीक है, पैराबोला की तरीफ भी रिपीट हो गई है। सेक्शन टू आ गया, इसमें ईंट का फ्री हैंड स्केच बनाएं, नेज ईंट का मेयारी साइज़ भी तहरीर करें। उसके बाद कंपास के जरिए 105 डिग्री का जाविया बनाएं और इसकी तामीर का तरीका भी लिखें, यानी कंस्ट्रक्शन का तरीका। ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले औजारों की लिस्ट तैयार करें, यह तो बहुत ईजी सवाल आ गया। 2020 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है, क्योंकि एनुअल में जो है वो फर्स्ट एनुअल में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, तो ये 2020 का सेकेंड एनुअल पेपर है। लाइन प्लान की तारीफ करें। लाइन प्लान ड्राइंग में तमीरी हिस्सा को, कमरों के साइज़ और पोजीशन को सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है। इस ड्राइंग में दीवारों की मोटाई जाहिर नहीं की जाती, कमरों के अंदर दी हुई पैमाइश कमरों के साइज़ को जाहिर करती है। इसमें दीवारों की मोटाई शामिल नहीं होती, कमरों के बाहर दी गई पैमाइश बिरूनी पैमाइश होती है जिसमें दीवारों की मोटाई शामिल होती है। सेक्शन क्यों ज़रूरी है? किसी जिस्म ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाते हुए ख्याल रखा जाता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तफसील जाहिर की जाए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाए जाते हैं। इस ड्राइंग के जरिए जिस्म की बिरूनी तफसील तो अच्छे तरीके से जाहिर हो जाती है, लेकिन अंदरूनी तफसील, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ हुआ है, मुझे याद है मैंने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है, तो ये वाला भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। पॉलीगॉन क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ठीक है ना, ये हमने पढ़े हैं अभी। उसके बाद एक इंच के दायरे का, ये भी रिपीट हो गया आपका। एक्सिलरी प्लेन की तरीफ भी रिपीट हुआ है। लेटरिंग के तीन असूल भी जो है रिपीट हो गया, हाउस प्लानिंग भी और इमारत की ओरिएंटेशन भी बार बार पढ़ चुके हैं, पैराबोला की तरीफ भी, टाइटल ब्लॉक भी, उसके बाद लाइन के मुख्तलिफ इकसाम के नाम भी। फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, सेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, डिमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। ये डिमेंशन और एक्सटेंशन लाइनें दोनों साथ साथ होती हैं। डिमेंशन लाइन उफकी लाइन के तराब पर जो छोटी छोटी दो लाइनें बनी होती हैं उसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ट्राई हेड्रल एंगल से क्या मुराद है? तीनों प्रिंसिपल प्लेन को अगर एक दूसरे के साथ अमूदन रखा जाए तो 8 कायमा जाविया हासिल होती हैं, जिनको ट्राई हेड्रल एंगल कहा जाता है, और कायमा जाविया को रबा यानी क्वाड्रेंट कहा जाता है। इमारत के 6 हिस्सों के नाम, बुनियाद, सुपरस्ट्रक्चर, प्लिंथ, उसके बाद डीपीसी, लिंटल, मंडेर, सनशेड, छत, डिप कोर्स और फर्श वगैरह, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह भी बीच में आएंगी। आरएफ की तारीफ करें, ये रिपीट हुआ हुआ है। लकड़ी और शीशे की अलामत, अब लकड़ी की अलामत भी आ गई और शीशे की अलामत सिर्फ ये देख लें, ये निशान है। सादा और ठोस ज्योमेट्रिकल शक्ल की तारीफ रिपीट हो गया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी रिपीट हो गया। सेक्शन टू आ गया इसका, कि खाके के साथ मतकज दायरे के तरीकाकार के ज़रिए बेजवी शक्ल बनाने के तरीकाकार की वजाहत करें। दूसरा सवाल है इमारत की जगह के इंतखाब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की तारीफ करें। तीसरा 13.5 इंच मोटी दीवार का फ्री हैंड स्केच क्रॉस सेक्शन बनाएं, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा 2021 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, के लेंथनिंग बार क्या है, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। प्लेन की तारीफ करें, ये पढ़ लेते हैं। प्लेन एक तखीलाती और गैर मर्री शिफाफ सतह है जिसके ऊपर ड्राइंग बनाई जाती है। इस तखीलाती पर्दा के ऊपर जो ड्राइंग की शक्ल बनती है इसको ड्राइंग शीट पर मुंतकिल कर दिया जाता है, ये भी रिपीट हुआ हुआ वैसे, ठीक है, ये भी आया हुआ पहले। बिल्डिंग की ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को मखसूस सीमत में तरतीब देने के अमल को रुखबंदी यानी ओरिएंटेशन कहा जाता है। स्केल की इकसाम
जो है वो बयान करें, ये रिपीट हुआ हुआ है ठीक है। मैकेनिकल रोटेशन मैंने आपको बताए थे, प्लेन और विथ री स्केल ये भी रिपीट हुआ हुआ है ठीक है। उसके बाद आता है सेंटर लाइन लगाकर पैमाइश जाहिर करें, ये भी मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन ठीक है, रिपीट हुआ हुआ है। टाइटल ब्लॉक भी रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद 13.5 इंच के मोटी दीवार का फ्री हैंड स्केच बनाएं, भी रिपीट हुआ हुआ है ठीक है। उसके बाद आता है इमारत के तफसीली प्लान की तारीफ करें, इस किस्म की ड्राइंग में प्लॉट के अंदर तमाम कमरों और बरामदों के साइज और इनका बंदोबस्त और दरवाज़ों खिड़कियों की पोजीशन को जाहिर किया जाता है, इसमें दीवारों की मोटाई भी जाहिर की जाती है। आई थिंक कि ये भी वैसे रिपीट हुआ हुआ है, मैंने ये पहले पढ़ी है स्टेटमेंट ठीक है। बाथरूम के फिक्चर्स के नाम ये रिपीट हुआ हुआ है, वाश बेसिन शावर बाथ टब ट्रैप और हैंगर्स, ये तीन चार बार आ गया हुआ है। वुड और RCC वाला ये रिपीट हो गया है। पैराबोला की तारीफ करें, ये सिंबल से ऊपर वाले ठीक है ना। उसके बाद आता है सादा ठोस ज्योमेट्रिकल शिकार की तरीफ, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन तीसरी बार या चौथी बार आया है। ये लाइन की चार इकसाम, ये भी 3 से 4 बार आ चुका है। कौन की तरीफ करें, कौन मुजस्माती ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल होती है जिसका पैंदा गोल होता है और अतराफ एक नुकता पर मिलता है, इसके हिस्से गोल पैंदा साइड और नुकता, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, याद आया ये भी पढ़ा हुआ है। एक्सलरी व्यूज़ की तारीफ करें, ये वाला भी आपका रिपीट हुआ हुआ है ठीक है। सादा ज्योमेट्रिकल इश्काल भी रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद इसका सेक्शन 2 है कि 4 मराकज़ के तरीका से एक बेजा बनाएं और बड़ा मेहर, ये भी आपका रिपीट हुआ हुआ है ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर और छोटा 6 सेंटीमीटर, और इसका अमल भी तहरीर करना है आपने। और ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट के नाम और इनका इस्तेमाल लिखें, ये आसान सवाल है। एक और पैराबोला की तारीफ करें और साफ खाका बनाकर हिस्सों के नाम लिखें, पहले दोनों आसान सवाल आसान है। और अगर आपको पैराबोला की डेफिनेशन आती है और इसकी डायग्राम को पता है तो आप वो भी बना सकते हैं ठीक है। 2021 के सेकंड एनुअल पेपर के को डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री को, सिविल ड्राफ्टिंग की तारीफ करें, ये रिपीट हो गया। उसके बाद जुजंका और मुनहरिफ में फ़र्क वाजिया करें, ये भी रिपीट हो गया। जुजंका ऐसी शक्ल जिसके दो बिलमुकाबल अज़ला मुतवाज़ी हों, और मुनहरिफ ऐसी शक्ल जिसके तमाम अज़ला और ज़ावी मुसावी नहीं होते, ये दोनों को हम डायग्राम की शक्ल में हमने डिस्कस किया हुआ, रिपीट हुआ है। सादा ज्योमेट्रिकल इश्काल के नाम, नाम आप लिखेंगे तो उसमें मुसलस मुस्ततील दायरा वगैरह ही है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। और रूपनिवेशी के 3 असूल, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। प्लेन की तारीफ करें, ये भी पिछले पेपर में भी आया, रिपीट हो गया। बिल्डिंग के 4 मकासद, ये भी रिपीट हो गया। लाइन प्लान की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो गया। कमरे के साइज़ और तरतीब जाहिर करने के लिए सिंगल लाइन से तैयार किया गया खाका स्केच यानी लाइन प्लान कहलाता है। हाउस प्लानिंग की तरीफ करें, भी रिपीट हो गया। बिल्डिंग बाय लॉज भी रिपीट हो गया। लेटरिंग की अहमियत भी रिपीट हो गया। असम्बली सेक्शन, इस किस्म का सेक्शन मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी मुतलका जगह पर जोड़कर तैयार किया जाता है, वैसे तो ये भी रिपीट हो गया ठीक है। स्केल की इकसाम 2 हैं, सादा और वितरी स्केल, डायगनल यानी कि प्लेन और डायगनल। कौन की तारीफ करें, यह रिपीट हो गया, ये भी ठीक है और पिछले पेपर में भी आया। RF की तारीफ करें, यह भी रिपीट हो गया। कंप्लीमेंट्री जावियों की तारीफ करें, भी रिपीट हो गया। और बात के 4 फिक्स्चर्स के नाम भी रिपीट हो चुके हैं, और लाइन की 4 इकसाम, ये भी रिपीट हो गई हैं। एक्सलरी व्यूज़ भी रिपीट हो गया, तो ये सारा पेपर रिपीट हो गया ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन 2, इमारत की जगह का इंतखाब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल भी रिपीट हो गए हैं। पैमाइश की इकसाम और पैमाइश लिखने के तरीकों की वजाहत करें। उसके बाद ईंट का फ्री हैंड स्केच बनाएं, नेक्स्ट ईंट का मियारी साइज़ तहरीर करें, ये भी रिपीट हो गया। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल फर्स्ट ईयर का जो है ये 5 साल पेपर हमने डिस्कस किया, 2017 से 2021 तक के पेपर थे। बुक का आपका कोड है Civil 143। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी पेपर और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी समझ लगी होगी, पता चल गया होगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। स्टूडेंट आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।